हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ब्लॉग्स गुरु। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप अपने साइट के अंदर प्रॉपर तरीके से 301 और 302 रिडायरेक्शन को सेटअप कर सकते हो और इसका जरूरत क्या है और दोनों के अंदर बीच में अंतर क्या है, ये सारे कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर वॉच करें। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, मैं पहले बता दूं 301 रिडायरेक्शन के बारे में। दोस्तों, 301 रिडायरेक्शन एक परमानेंटली रिडायरेक्शन होते हैं। दोस्तों, मान लो अगर आपके जो पुराना वाला पोस्ट है वो 2020 पे लिखे हो और आप नया वाला पे रिडायरेक्ट करेंगे, मतलब आने वाले जो पोस्ट लिखेंगे 2021 पे, पर टॉपिक एक है, तो उसी टाइम पे रिडायरेक्शन काम आते हैं। तो आप बिना यूआरएल चेंज किए सिर्फ रिडायरेक्शन की मदद से कर देंगे। इससे क्या होगा, आपके जो गूगल पे पोस्ट ऑलरेडी रैंक्ड है उसका सारे ऑथोरिटी न्यू पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। इससे पुराना वाला जो यूआरएल पे ऑलरेडी ट्रैफिक आ रहा है वो सारे ट्रैफिक यहाँ पे मूव हो जाएगा, तो आपको गूगल पे किसी भी 404 एरर नहीं दिखेगा। और 302 रिडायरेक्शन क्या होते हैं, ये सेम ही चीज होता है, सिर्फ इसके अंदर के जो ऑथोरिटी है ये पास नहीं होता है, सिर्फ आपके यूआरएल चेंज होता है, तो ये टेम्पोररी के लिए यूज होता है। मान लो अगर आपके किसी भी पेज पे आप काम कर रहे हो और आप चाहते हो ये पोस्ट पे जो ट्रैफिक आ रहा है वो ट्रैफिक लॉस ना हो, तो ऐसी सिचुएशन पे टेम्पोररी रिडायरेक्शन किया जाता है। इसको आप 302 रिडायरेक्शन भी कह सकते हो। तो ये कैसे करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो दोस्तों, ये हमारा एक डेमो साइट है, इसके अंदर हम 301 रिडायरेक्शन को सेट करेंगे, उसके बाद 302 रिडायरेक्शन को बैठाएंगे। दोस्तों, ये हमारा एक पोस्ट है, ये जो पोस्ट है हेलो वर्ल्ड है, और हमारा नया एक पोस्ट हम बनाएंगे उसके अंदर हम रखेंगे हेलो, सिर्फ हेलो, वर्ल्ड को हम मिटा देंगे। आपको एडिटर पे जाना होगा, यहाँ पे जैसे कि इसका पोस्ट का यूआरएल हम हेलो वर्ल्ड मिटा के यहाँ पे सिर्फ हेलो रखेंगे और उसके बाद अपडेट पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा पोस्ट का यूआरएल डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही हम यहाँ पे हेलो नाम पेज को सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ पे ओप्स दैट पेज कैन नॉट बी फाउंड, मतलब 404 एरर दिखा रहा है। तो इसको हम कैसे फिक्स करेंगे, तो 301 पहले हम देखेंगे। इसके लिए आप दो तरीके से कर सकते हो, अगर आपकी वर्डप्रेस साइट है तो आप प्लगइन यूज करके कर सकते हो, अगर आपकी कस्टम मेड साइट है तो आप सी पैनल से कर सकते हो। पहले हम दिखाएंगे सी पैनल से कैसे आप कर सकते हो। तो इसके लिए आपको पहले सी पैनल पे आना होगा, उसके बाद यहाँ पे फाइल मैनेजर को जस्ट ओपन करना है। यहाँ पे फाइल मैनेजर पे जैसे ही ओपन करेंगे इसके अंदर आपको पब्लिक एचटीएमएल फाइल दिखेगा, जो आपका मेन साइट है उसका ही ये पब्लिक एचटीएमएल पे सारे फाइल मौजूद होगा। उसके अंदर जाना होगा, यहाँ पे एचटी एक्सेस पे जाना होगा आपको। अगर ये चीज आपको नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे एक काम करना है, हाइट को अनचेक करना है, हाइट फाइल को। तो यहाँ पे सेटिंग पे जाना होगा, यहाँ पे है शो हिडन फाइल, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे शो हिडन फाइल के ऊपर टिक कर देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही करेंगे यहाँ पे एचटी एक्सेस नाम की एक फाइल एनेबल हो जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है, एडिट पे जाना है। एडिट पे जाने के बाद यहाँ पे फिर से एडिट पे क्लिक करना है, सेकेंड टैब में खुल जाएगा। इसके अंदर आपको एक कोड को बैठाना है, इस कोड को बैठाना है, जैसे कि ये हमारा पुराना यूआरएल है mygplguru.com, ये हमारा एक डोमेन है, डोमेन के नाम को छोड़ो। तो उसके बाद जो यूआरएल है हेलो वर्ल्ड, ये हमारा पुराना यूआरएल है और नया वाला है हेलो। तो हमारा नया यूआरएल का नाम सिर्फ हेलो है और पुराना हेलो वर्ल्ड है, तो हम इस कोड को बैठाएंगे इसके अंदर।
रिडायरेक्ट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 301, मतलब हम 301 रिडायरेक्शन कर रहे हैं। तो इसका पुराना वाला का जो ऑथोरिटी है न्यू के पास ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा अगर हम इस कोड को बैठाएंगे। अगर इसके अंदर आप 302 देंगे तो इसका ऑथोरिटी नहीं जाएगा, ये टेम्पोररी रिडायरेक्शन होता है। तो हमको करना है क्या, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, सिर्फ हेलो वर्ल्ड को लिखना है कॉपी, और यहाँ पे हमारा पुराना यूआरएल को डालना है। याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको डोमेन की देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यूआरएल को देना है। अगर आपकी यूआरएल के बाद .html आते हैं तो आपको .html देना है। डोमेन के बाद जो उस पर रहेगा यहाँ पे भी सेम चीज़ आपको देना होगा। उसके बाद नया यूआरएल, नया कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, नया यूआरएल पे ट्रांसफ़र होगा, तो वो सिर्फ हेलो है। तो हमको यहाँ पे स्लैश देके हेलो देना है। उसके बाद इसको आपको कॉपी करना है, सिंपल सा कॉपी करेंगे और यहाँ पे htaccess फाइल पे जिसको आपने ओपन करे हैं उसके अंदर जाके यहाँ पे कहीं पे भी तो आपको रिडायरेक्ट रूल दिखेगा, उसके नीचे एक आपको एंटर दबाना है, मतलब ब्लैंक रहेगा जगह। उसके बाद आपको इस रिडायरेक्शन को सेट करना है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी इसके अंदर दिया हूँ, अगर नहीं है तो यहाँ पे कंट्रोल वी दबा के पेस्ट कर देना है और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सेव भी मैं कर चुका हूँ, इसलिए यू हैव नो मेड चेंजेस दिखा रहा है। तो आपको पुराना वाला URL को डाल के एक बार चेक करना है और रिडायरेक्ट हो रहा है या नहीं। तो हमें इनकॉग्निटो मोड ओपन करना है और यहाँ पे पेस्ट एंड गो पे क्लिक करना है। तो पुराना वाला URL पे जैसे ही डालेंगे तो नया पे ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा। फिर से दिखा रहा हूँ, पुराना वाला को डालेंगे और यहाँ पे एंटर दबाएंगे, ऑटोमेटिकली नया पे रिडायरेक्ट इस पे हो चुका है। तो अगर आप इसको प्लगइन से करना चाहते वो भी इजी है। तो वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे आएंगे, प्लगइन सेक्शन पे क्लिक करेंगे, एड न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे आपको लिखना है रीडायरेक्ट, REDIREC, रीडायरेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे रीडायरेक्शन नाम के जो प्लगइन आएगा इसको चूज करना है, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। ये जो प्लगइन है बहुत ही पॉपुलर प्लगइन है, 1 मिलियन से भी ज्यादा इंस्टॉल हो चुका है, तो आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हो। तो इस पे किसी भी तरह का बग नहीं है। तो प्लगइन यूज करने का एक फायदा है कि अगर आपके साइट आप बैकअप लेते हो और फिर से रिस्टोर कर लेते हो तो ये जो कोड आपने पहले बैठाया हो उसको ऑटोमेटिकली वो रिसेट हो जाएगा और फिर से पुराना वाला 404 एरर दिखाएगा। तो हमारा रिकमेंडेशन यही है, अगर आपके वर्डप्रेस साइट है तो आप रिडायरेक्शन प्लगइन को जरूर यूज करें। उसके बाद एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे, एक्टिवेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे इसके अंदर आपको सेटिंग्स करना है। सेटिंग्स पे जाएंगे, इसके नीचे आपको सेटिंग्स दिखाई देगा, इसको सेकेंड टैब में आपको खोल लेना है। सेटिंग्स पे जैसे ही जाएंगे यहाँ पे लोडिंग हो रहा है कुछ टाइम के लिए। तो यहाँ पे आपको सोर्स URL कैसे करना है वो ट्यूटोरियल इसमें दिखा रहा है। तो आपको सिर्फ स्टार्ट सेटअप पे क्लिक करना है और ये दो चीज है, इसको आपको कंटिन्यू सेटअप पे क्लिक कर देना है और फिनिश हो रहा है और यहाँ पे फिनिश हो चुका है। तो ये प्लगइन यूज करने की और भी एक फायदा है, अगर आप किसी भी पोस्ट पे URL को पहले जो लिखे हो उसको अगर आप बाद में चेंज करते हो तो ऑटोमेटिकली ये रिडायरेक्शन सेट कर देता है। तो आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट प्लगइन को इंस्टॉल करना है और ये सेटअप कर लेना है। फिनिश सेटअप पे जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा मेन काम। यहाँ पे आपको कुछ नहीं छेड़ना है, यहाँ पे रिडायरेक्शन के ऊपर जस्ट क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टूल्स के अंडर में रिडायरेक्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे इस इंटरफेस पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको रिडायरेक्शन सेट करना है, देख चुके हो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नाम के रिडायरेक्शन मैंने सी पैनल से करा हूँ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिंक शो कर रहा है और ये 301 कोड है। अगर इसके अंदर आप 301 मैनुअली सेट करना चाहते हो तो एड न्यू पे क्लिक करेंगे, तो इसके अंदर जो सोर्स URL है ये आपका नया वाला URL रहेगा और पुराना वाला है टारगेटेड URL। जैसे कि हमारा एक दूसरा पोस्ट है, ये जो पोस्ट 2 है, तो हम इसको कॉपी करेंगे और इसके अंदर हम 2 को हटा के URL को चेंज कर देंगे। URL को चेंज कर दिया हो और रिडायरेक्शन पेज को रिफ्रेश करता हो, जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो पोस्ट 2 था यहाँ पे पोस्ट हो चुका है, मतलब URL चेंज होके ऑटोमेटिकली यहाँ पे 301 को रिडायरेक्ट कर दिया है
ये प्लगइन। तो ये है इस प्लगइन का फायदा। तो मैनुअली करने के लिए यहाँ पे एड न्यू पे करेंगे या फिर सिर्फ पोस्ट टू को देंगे, मतलब पूरा यूआरएल को ही डालना है और नया वाला जो होगा नीचे होगा। और रिडायरेक्शन को यहाँ पे रिडायरेक्शन शो करेंगे और एड रिडायरेक्ट पे क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएगा। कोई भी लोग पुराना वाला को खोलेगा तो नया वाला पे ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फिर से देख लेंगे तो देख सकते हो पोस्ट टू जैसे ही करा हो पोस्ट पे रिडायरेक्ट हुआ है। तो इस तरीके से ये प्लगइन काम करते हैं। दो तरीके से कर सकते हो, सीपैनल से या फिर प्लगइन से। आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से 301 रिडायरेक्शन के रिगार्डिंग सारे जानकारी मिला है। वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और इसके ऊपर किसी भी डाउट है तो नीचे कॉमेंट जरूर करे। तो चलिए गुड बाय एंड टेक केयर। We'll be right back.